हाय फ्रेंड्स, आज अपन मैकबुक में अगर ओएस करप्ट हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डेटा कैसे निकाला जाता है उसके बारे में देखेंगे। आप देख रहे हो मैकबुक में अभी इसमें ओएस करप्ट हो चुका है। ओएस करप्ट हो गया तो इसमें डेटा निकालने का अपन तरीका देखेंगे किस तरह से डेटा निकाला जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपन मैकबुक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं होता मैकबुक अभी। ये देखिए मैकबुक में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हो सकता है ओएस करप्ट हो गया हो। चलिए अपन इसको डेटा बैकअप लेकर लेने के लिए आपको हार्ड डिस्क को निकालना पड़ेगा। सो शट डाउन करते हैं एंड चलिए फ्रेंड्स, हमने हार्ड डिस्क निकाल लिया है। इसको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाने के लिए केसिंग का जरूरत पड़ेगा। अपन इसको कनेक्ट करने के लिए केसिंग से कनेक्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क शो कर देगा ये। देखिए आपको यहाँ पर ये हार्ड डिस्क शो कर रहा है एंड इसमें अपन देख सकते हैं अपना डेटा किस में, जैसे यूजर में है या फिर किस में भी है, जिसमें भी आप चेक करना चाहो। यूजर में अपन चेक करते हैं तो हेड का ऑप्शन आ रहा है एंड ये आपका मैकबुक का नाम हो सकता है जो आपने दे रखा हो। यहाँ से आपको नॉर्मल ही सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, मूवीज़, सारे डेटा यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आप किसी से भी अपना डेटा यहाँ से, जैसे अपना डेस्कटॉप में डेटा है तो आप डेस्कटॉप को कॉपी करिए एंड यहाँ से पे निकाल लीजिए पूरा डेटा। आप यहाँ से पूरा कॉपी कर कर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में डेटा निकाल सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप देख रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं होती। पूरा डेटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से
आपको सारे फोल्डर दिखा देगा, डाउनलोड्स के भी दिखा देगा, डाउनलोड्स में आपका जो भी है वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग दिखा देगा। आप यहाँ से इजीली बैकअप बैकअप ले सकते हैं अपने डेटा का। ओके फ्रेंड्स।